तो आज के एपिसोड में हम लाए हैं एपेक्स लेजेंड्स के फैंस के लिए एक अपडेट रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक कैरेक्टर्स इन गेम, दैट इज कॉस्टिक। फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है अबाउट फ्री फायर सिटी ओपन जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद थोड़ी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि है TEC के द गॉन्टलेट के बारे में, जो कि एक वैलोरेंट टूर्नामेंट उनकी तरफ से आ रहा है। एंड इन द एंड लेडीज एंड जेंटलमैन वील टॉक अबाउट अनदर बिग अचीवमेंट दैट हैज़ बीन वेल अचीव्ड बाय द गेम ऑफ फ्री फायर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, माय नेम इज वॉरन जॉन एंड यू गाइज आर वॉचिंग ईस्पोर्ट्स 360। पिछले कुछ महीनों से एपेक्स लेजेंड्स के सबसे ज़्यादा इनमेटा डिफेंसिव कैरेक्टर को बार बार नर्फ किया जा रहा था और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्टिक की। कॉस्टिक मेंस का हम दर्द काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि ये हर गेम में हर एक इंसान के साथ हुआ है। व्हेन एट अ सर्टन टाइम उनके फेवरेट कैरेक्टर को इतना ज़्यादा नर्फ कर दिया गया था, दे वर प्रैक्टिकली अनप्लेएबल। लेकिन फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर जस्टिस फॉर द कॉस्टिक मेंस। रिस्पॉन के लीड डिजाइनर डैनियल ज़ी क्लाइन ने एक रेडिट थ्रेड में ये कहा था कि रीसेंट अपडेट्स की वजह से कॉस्टिक का पिक रेट बहुत बहुत ज़्यादा कम हो चुका है एंड इसी के चलते सीजन 9 में कॉस्टिक ऑलमोस्ट मेटा से वैनिश हो चुका है। एंड इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रिस्पॉन ने ये डिसाइड किया है कि दे विल मेक कॉस्टिक टेरिफाइंग अगेन लाइक द ओल्ड टाइम्स। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस न्यूज़ को सुनकर सारे के सारे कॉस्टिक मेन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे और अब इंतज़ार करेंगे कि अगला पैच कब आएगा। फ्री फायर सिटी ओपन गरीना की तरफ से एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नेशनल लेवल टूर्नामेंट था जिसमें 8 रीजन की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी फॉर अ ग्रैंड प्राइज पूल ऑफ 60 लाख। अब इस टूर्नामेंट के अंदर रिसेंटली एक शॉकिंग न्यूज़ जो बाहर आई है वो ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स टू कम्पीट इन द टूर्नामेंट इन द फ्री फायर सिटी ओपन, दैट वॉज टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट से डिस्क्वालिफाई हो चुकी है। सो टोटल गेमिंग से फौजी अजय और माफिया बाला ने फ्री फायर सिटी ओपन FFC मोड में मल्टीपल टाइम्स पार्टिसिपेट किया। दोनों के दोनों प्लेयर्स टोटल गेमिंग के साथ साथ टीम फॉर्मजी वाई का भी हिस्सा थे और इसी के चलते टोटल गेमिंग को टूर्नामेंट से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। ये न्यूज़ फ्री फायर कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि टोटल गेमिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द फ्री फायर कंपेटिटिव सीन एंड दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर साइड। तो लास्ट वीक लेडीज एंड जेंटलमैन द ई स्पोर्ट्स क्लब ने अनाउंस किया है TEC गॉन्टलेट सीजन 1 जो होने वाला है साउथ एशिया का सबसे बड़ा वैलोरेंट लीग। तो चलिए नज़र डालते हैं TEC गॉन्टलेट सीजन 1 के कुछ डिटेल्स के ऊपर। प्राइस पूल की बात की जाए तो TEC गॉन्टलेट का टोटल प्राइस पूल 52 लाख का होने वाला है और इतना बड़ा प्राइस पूल आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा है। इस लीग को 4 सीजन में बांटा गया है। सीजन 1 स्टार्ट होने वाला है जून 2021 के अंदर और सीजन 4 लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट होगा जनवरी 2022 में। तो कैलेंडर देखते हुए ये लीग बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस क्योंकि एक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा इस लीग में। चलिए अब बात करते हैं फ्री फायर के बारे में। तो फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है जिसे गरीना ने बनाया और इस गेम के पास बहुत बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड गेम्स इन द वर्ल्ड और अभी ऐप एनी जो कि एक ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म है उन्होंने ये कहा है कि गरीना की पेरेंट कंपनी SEA लिमिटेड के क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स के अनुसार फ्री फायर ना सिर्फ लैटिन अमेरिका बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया रीजन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली गेम है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि फ्री फायर ये पोजीशन पिछले 7 क्वार्टर से होल्ड कर रही है। एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ आवर शो टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में और ढेर सारे ई स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू गाइज स्टे इन स्टे सेफ। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।